आप नाराज लग रहे हैं? ये एकदम नाराज की बात है जी। सरकार सारा व्यवस्था किया है लेकिन कहाँ व्यवस्था है? मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं काम कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, दवा खरीदे हैं बाहर से। मोदी जी कौन सी काम कर रहे हैं? गरीब के मकान बनाने के लिए बोला है, अमीर के मकान बना रहा है? राशन मिलना चाहिए गरीब आदमी के, मिलता है अमीर आदमी के? रोजगार की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जनसंख्या इतना बढ़ रहा है उसके अनुसार यहाँ रोजगार नहीं पैदा हो रहा है। मोदी जी आते हैं, ये देंगे वो देंगे, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। MBA करके BTEC करके लोग घूम रहे हैं, 8 लाख 10 लाख रुपया लगा के फ्री में ऐसे ही घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आशी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए पटना जंक्शन पे मौजूद है और 2024 में लोग तो वोट देंगे ही, तो बस सवाल आज बिहारियों से इतना होगा कि मुद्दा क्या होगा वोट देने का। चलिए पूछते हैं, लोग भी यहाँ पे हैं, उनसे पूछे हैं कि मुद्दा क्या रहेगा जब वोट दीजिएगा। तो जातिवाद खत्म करिए, पहले आरक्षण खत्म कीजिए, नौकरी दीजिए। जातिवाद खत्म कीजिए, बिल्कुल। ये जो जाति जनगणना बिहार में हो रहा है इससे गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। चलिए गलत हो रहा है ये बोल रहे, गलत हो रहा है। और यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि मुद्दा क्या होगा वोट देने का 2024 में। मुद्दा जातिवाद वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, मेन रहेगा रोजगार का। रोजगार की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जनसंख्या इतना बढ़ रहा है उसके अनुसार यहाँ रोजगार नहीं पैदा हो रहा है। रोजगार मिलेगा तभी वोट दीजिएगा, बिल्कुल। सबको मिलना चाहिए ना जी। इतने जवान लड़के लोग, लड़की लोग बैठे हुए हैं जी। तो इनका चाहिए ना व्यवस्था सेटल होने का जी। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है जी। तो प्रधानमंत्री आप ही लोग को चुनना है? बिल्कुल चुनेंगे, बिल्कुल चुनेंगे। तो क्या लगता है, उम्मीद है जी? उम्मीद है जी, उम्मीद है होगा। चलिए और भी है, वहाँ से पूछते कि क्या लगता है, मतलब कि जो पैच मुद्दा क्या होगा बिहारियों का, किस वोट पे दीजिएगा 2024 में वोट दीजिएगा तो मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा बिहारियों तो सब हमेशा के लिए मजदूर बन के रहा है, मजदूर बन के रहेगा। मोदी जी आते हैं, ये देंगे वो देंगे, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। रोजगार, MBA करके BTEC करके लोग घूम रहे हैं, 8 लाख 10 लाख रुपया लगा के फ्री में ऐसे ही घूम रहे हैं जी। लेबर का काम ढूंढते हैं कि 400 रुपया कहाँ मिले, रोजगार ही मुहैया नहीं हो पा रही है। रोजगार होगा मेन मुद्दा, रोजगार है ठीक है। और यहाँ पे अंकल भी हैं, तो मुद्दा क्या होगा वोट दीजिएगा 2024 इलेक्शन में? क्या होगा मुद्दा? हम लोग भाजपा का देंगे, मुद्दा का यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जीरो है। दीजिएगा किसको? भाजपा के, भाजपा को हाँ जी। और मुद्दा क्या होगा, तो किस बेसिस पे दीजिएगा? सब खत्म है यहाँ, पलटू राम के हम लोग वोट दीजिएगा ना जी। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही रहेगा कि जो छात्र हैं उसको थोड़ा सा बहाली वहाली लाए, जो पढ़ लिखे हैं हम लोग, पढ़ लो रह रहे हैं, नौकरी वोकरी के लिए थोड़ा सा बहाली वहाली निकाले और हम लोगों का प्रोग्रेस करे, यही हम लोगों का अथु है। चुनाव है तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा, हम लोग मोदी जी के साथ हैं और उन्हीं के साथ रहे। मोदी जी के साथ हाँ, हाँ। काम करेंगे? काम तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं को वोट देंगे? हाँ उन्हीं को देंगे। हाँ आप क्या बोलेगा, अगले साल चुनाव है तो मुद्दा क्या होगा, बिहारी का मुद्दा क्या होगा? मोदी जी कौन सी काम कर रहे हैं? गरीब के मकान बनाने के लिए बोला है, अमीर के मकान बना रहा है जी? गरीब के लिए योजना निकला है, अमीर आदमी के मकान बनता है ना? राशन मिलना चाहिए गरीब आदमी के, मिलता है अमीर आदमी के? आपको क्या चाहिए? जो आदमी जो हिसाब से है उसको मिलना चाहिए। चाहिए क्या है? हमको क्या चाहिए, जो हिसाब से हम हैं उस हिसाब से हमको भी मिलना चाहिए, संसार को भी मिलना चाहिए, संसार को मिलना चाहिए। 2024 में चुनाव है, क्या मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दा, किसको चुनाव है? लोकसभा। हाँ मुद्दा क्या रहेगा, चुनिएगा कैसे? चिराग पासवान को। चिराग पासवान को चुनेगा। यहाँ पे देखिए और भी लोग हैं, इनसे पूछे हैं कि 2024 में चुनाव है, मुद्दा क्या होगा बिहारी को? बिहारी को सबसे पहले मुद्दा होगा रोजगार होना चाहिए, कि रोजगार बिहार में बहुत ही कम है, बहुत ही खराब तरीका है। रोजगार सबसे पहले यहाँ पर मुख्य होना चाहिए, और उसके बाद रोड वोड अच्छा बनना चाहिए। रोड का कंडीशन पटना सबसे घटिया शहर में हमको मेरा मानना है। रोड का कंडीशन मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूँ, भूटान में रह के आया हूँ, वहाँ का कंडीशन गरीब देश होकर अच्छा कर रहा है, और ये बिहार अपना इतना खराब पोजिशन है इसका तो बता नहीं सकते। उसके बाद यहाँ पर बेरोजगारी इतना है जो हम बता नहीं सकते, बेरोजगारी का तो कोई सीमा नहीं है। यहाँ बाजार समिति में चल जाइएगा, जैसे देवघर नरेंद्र मोदी तो काफी अच्छा है, हर हर मोदी घर घर मोदी यही होना चाहिए। मोदी बेस्ट है केंद्र के लिए, लेकिन गवर्नमेंट लेकिन स्टेट में नीतीश कुमार सही नहीं है, चचा भतीजा का पलटू राम को, इनको हटाना चाहिए। चिराग पासवान बेटर ऑप्शन है, उनको लाना चाहिए। आप क्या बोलेगा 2024 में? अंकल इधर देखिए, 2024 में चुनाव है, मुद्दा क्या होगा?
मुद्दा जैसा देखा जाएगा वैसा होगा, जैसा देखा जाएगा। आपके हिसाब से आप एक आम इंसान है तो आपको क्या चाहिए, आपका मुद्दा क्या होगा? वोट दीजिएगा ना? हाँ हाँ वोट देंगे। फिर किस बेसिस पे वोट दीजिएगा? वोट देंगे अभी आएगा समय तो अभी नहीं। अच्छा, इनका समय आएगा तब देंगे वोट। तो आप चुनाव है 2024 में, तो वोट किस मुद्दे पे दीजिएगा? वोट किस मुद्दे पर दीजिएगा? लोकसभा, क्या लोकसभा चुनाव है सांसद का, तो वोट दीजिएगा ना? हाँ। तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा उसमें क्या होगा जो वोट, मतलब किस बेसिस पे दीजिएगा कि हाँ ये होना चाहिए तो हम इसको वोट देंगे? जो बने अच्छा काम करेगा बस यही मुद्दा। अच्छा काम करेगा, क्या लगता है कौन अच्छा काम करेगा? क्या लगता है तो देखेंगे अभी अभी। अच्छा, अभी कैसे कि सोचेंगे? नहीं सोचेगा नहीं, जो कर रहे हैं सो देख रहे हैं। आपको क्या चाहिए? आप भी तो आम आदमी है, तो आपको क्या चाहिए ये होना चाहिए तो हम वोट देंगे? अब वो अभी हम कैसे क्लियर करें? 2024 में चुनाव है, वोट दीजिएगा? देंगे। किस मुद्दे पे दीजिएगा? किस मुद्दे पे दीजिएगा? जिस पे बोलेगा इस पर। कहने का मतलब है कि अगर आप वोट दीजिएगा तो चाहिएगा ना कि हाँ हमको ये मिलना चाहिए तो हम वोट देंगे, इनको देंगे चाहे किसी को देंगे। तो किसको दीजिएगा? मोदी से करके। मोदी जी को दीजिएगा? हाँ। क्यों दीजिएगा? क्या मिल रहा है? काम कर रहे इसलिए? काम का बात नहीं है ऐसे ही। तो मतलब वो पसंद है आपको इसलिए दीजिएगा? नहीं, और किसी पे भी दे सकते हैं। और किसी को भी दे सकते हैं? चलिए, और किसी को भी ये दे सकते हैं। वहाँ पे लोग भी बैठे हुए हैं, देखे इनसे पूछेंगे कि 2024 चुनाव में मुद्दा क्या होगा? 2024 चुनाव के लिए सबसे पहले बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ के लिए एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, ये होना चाहिए जी। क्या लगता है कि हो पाएगा? वोट दीजिए। देखिए वोट जो है वो तो हर स्टूडेंट को या और देश के नागरिक को ये समझ के देना चाहिए कि अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए और यूथ को अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए, जॉब क्रिएट के लिए जी अब देना चाहिए वोट। यहाँ पे और है, इनसे पूछेंगे कि 2024 चुनाव में मुद्दा क्या होगा अंकल? मुद्दा यही है कि कोई भी सरकार हो, जनता का काम हो, जनता का काम हो। अभी देखिए हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, एम्स खुला है, वहाँ एक भी दवा, हम 4 घंटा बूढ़े आदमी लाइन में लगे और एक भी दवा हमको नहीं मिली जो दवा हम बाहर से खरीदे हैं। सुन लीजिए, ये सब व्यवस्था पर सुधार। नाराज लग रहे हैं? एकदम नाराज की बात है जी। सरकार सारा व्यवस्था किया है लेकिन कहाँ व्यवस्था है? मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं काम कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। दवा खरीदे हैं बाहर से, जांच करवाए हैं बाहर से, एम्स क्या चीज का एम्स है आप ही बताइए, क्या चीज का एम्स खुला? जनता की भलाई के लिए ना, कोई भलाई नहीं है, सारा चीज प्राइवेट से हो रहा है, तक हो रहा है। और लोग से पूछेंगे, यहाँ पे हैं, उनसे पूछेंगे कि मुद्दा क्या होगा 2024 चुनाव में, मुद्दा क्या होगा अंकल? नाम क्या हुआ? प्रदीप उद्दार। 2024 चुनाव होगा तो मुद्दा क्या होगा? हम नहीं जानते सर जी, मुद्दा जानते ही नहीं है। नहीं, क्या होगा? वोट नहीं दीजिएगा? हाँ वोट देंगे। क्यों दीजिएगा? किसी को वोट दीजिएगा तो क्यों दीजिएगा? देख जिसका काम रहेगा उसको वोट देंगे। हाँ मोदी को वोट देंगे, मतलब मोदी जी काम कर रहे हैं काम। अच्छा, को वोट? हाँ गारंटी 100%। यहाँ देखिए अंकल हैं बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे वोट दीजिएगा ना अंकल 2024 चुनाव में? वोट दीजिएगा ना 2024 चुनाव में, लोकसभा चुनाव में? देंगे नहीं? नहीं दीजिएगा? हो सकता है नहीं हो दे, हम ज्यादा कमजोर है। कमजोर है? नाम क्या हुआ अंकल? चंदन। 2024 चुनाव है उसमें वोट तो दीजिएगा ही? बिल्कुल। किस मुद्दे पे दीजिएगा? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या बोले? मुद्दा मुद्दा तो होगा ना कि हाँ ये बेसिस पे हम देंगे। हाँ मुद्दा होगा ये एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट? हाँ, बेरोजगारी दूर हो और महंगाई, रोजगारी दूर हो। हाँ महंगाई कम हो, महंगाई कम हो, महंगाई कम हो तो जो करेगा वो उसको वोट दे। हाँ बिल्कुल। चलिए यहाँ पे और हैं, आप बताइए नाम क्या हुआ? तो 2024 चुनाव है तो मुद्दा क्या होगा, बिहारियों का मुद्दा क्या होगा? सीधा बात है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, उसके बाद विकास का है जी। अनएम्प्लॉयमेंट ही मेन होगा। हाँ हाँ,
एम्प्लॉयमेंट मेन होगा, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं तो यहाँ पे भी एक बैठे हुए हैं, क्या मुद्दा होगा 2024 में चुनाव है तो वोट तो दीजिएगा। हाँ जी देंगे। क्या मुद्दा क्या होगा? बेरोजगारी दूर करने का, और क्या, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी जी, उसको दूर करना है। चलिए देखिए, आप लोगों ने सुन लिया कि पटना जंक्शन पे हम लोग मौजूद थे, लोग क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बोल रहे थे, तो आप लोगों ने सब कुछ सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।